नमस्कार दोस्तों, कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उर्वशी अप्सरा के बारे में, जो अपने पिछले जन्म में एक कुतिया थी। तो आइए जानते उर्वशी अप्सरा की कथा। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक द्विज थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। द्विज ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक सुंदर बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंछचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। उसके घर में कामकाज के बहाने उत्पत्ति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा नहीं मानती थी, सदा पर पुरुष के साथ रंगलियां मनाती थी। इसी दोष के कारण उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गई, उसमें पंगुता आ गई। इन सब क्लेशों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्मबंधु नामक द्विज के घर में अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके सिर में कीड़े पड़ गए और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। इस तरह 30 वर्ष बीत गए। एक दिन पद्मबंधु का पुत्र गंगा में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। कुतिया को अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्ण वृतांत याद आ गए और वह वृतांत कुतिया ने ब्राह्मण कुमार को सुनाए। तब ब्राह्मण कुमार बोले, पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्य योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। ये सुनकर कुतिया बोली, दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीना के प्रति दया कीजिए। द्विजेंद्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कुतिया की विनती सुनकर ब्राह्मण कुमार के पिता पद्मबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का पुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहज ही अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दशो दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्ग लोक चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से वही कुतिया उर्वशी नाम से प्रकट हुई। इस तरह पृथ्वी पर उर्वशी अप्सरा नाम से प्रकट हुई। आशा करता हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। हर हर महादेव।